बच्चों, मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है और अपन 8th की साइंस पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है, जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा हुआ, ये चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इससे पहले वाली वीडियो में, इस पहले वाले लेक्चरों में अपन ने देखा था कि फसल क्या होती है, फसल के उत्पादन के बारे में भी देख लिया था, बल्कि कुछ कृषि पद्धतियाँ थी आपके जो सिलेबस में दी थी, वो कृषि पद्धतियाँ भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। आप कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उन टॉपिक्स को अपन आगे पढ़ते हैं। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उनको आप देखें, इस चैप्टर को आपको और अच्छे से समझ में आ रहा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, अदर टॉपिक जो अपन वहां से पढ़ रहे थे वहीं से शुरू करते हैं। अपन ने ये पढ़ लिया था कि कृषि पद्धतियां, सबसे पहली कृषि पद्धति अपन ने देखी थी, क्या किया जाता है, मिट्टी तैयार की जाती है। इसके बाद क्या किया जाता है, बुवाई की जाती है, वो भी अपन ने देख ली थी। सिंचाई की जाती है, सिंचाई के साधन भी अपन ने देख लिए थे। खाद उर्वरक भी देख लिए थे कि खाद उर्वरक क्या होते हैं। इसके बाद उसकी कटाई भी देख ली थी, कटाई किस प्रकार से की जाती है। और इसके बाद अपन ने सबसे लास्ट में देखा था कि भंडारण, सबसे जब कटाई कर दी जाती है तो बीज का क्या किया जाता है, फिर भंडारण किया जाता है। तो अपना कुछ अब टॉपिक हमने, ऐसे मैंने आपको बताया था कि खाद उर्वरक में इंपोर्टेंट है कि खाद उर्वरक क्या होते हैं, इनमें अंतर पूछा जाता है, खाद एवं उर्वरक। यहां से अपने को पढ़ना है कि खाद उर्वरक क्या होते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि खाद क्या होते हैं, खाद एक जैविक पदार्थ है। क्या होते हैं बच्चों, खाद के लिए अपन एक शब्द में आंसर दें तो खाद क्या होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं। खाद एक जैविक पदार्थ है। फिर मैंने आपको बताया था कि उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक के बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली थी कि उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक जो होते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक का मतलब समझते हैं, अभी अपन इनको देखते हैं कि रासायनिक होते हैं और जैविकों में क्या अंतर है, कि खाद से क्या होगा और उर्वरक से क्या होगा, इनके लाभ भी देखेंगे इसमें। इसमें अपन अंतर करेंगे कि हम खाद किसे कहें और उर्वरक किसे कहें। यदि हम पहले चर्चा करें, जैसे कि नाम लिखा है खाद, तो खाद क्या होते हैं, कैसे जैसे मैंने बताया आपको कि खाद क्या होते हैं और एक जैविक पदार्थ होते हैं। मतलब क्या निकल के आया कि जैविक का मतलब क्या हुआ, जो कहां बनाए जाते हो, खेत वगैरह बना दिए जाते हो। जैसे कि अपन इसका एग्जाम्पल यदि आपको दूं तो बर्मी कंपोस्टिंग खाद केंचुए से बनाई जाती है। ये मतलब क्या, जीवितों से बना है, किसी क्या तो कूड़े कंकड़ पत्थर या जितनी मिट्टी वगैरह जो होती है उन पदार्थों को कहाँ किया जाता है, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। उन इकट्ठे में क्या, धीरे धीरे उसका क्या अपघटन होता है। जब एक कुछ कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, यहाँ इसमें पत्तियां भी है अपनी, डंठल वगैरह भी है, कुछ मिट्टी भी पड़ी है, अब इनका क्या होगा, धीरे धीरे अपघटन हुआ। अपघटन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे घटकों में टूटना। पहले पत्ती थी, पत्ती साजी थी, वो गलियां शुरू हुई, फिर छोटे छोटे कणों में टूटी। जैसे छोटे छोटे कणों में टूटी क्या बन जाती है, एक खाद बन जाती है। उस खाद को अपन क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, खाद, मतलब खाद टाइप की बन जाती है। इसमें जो बनेगा छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, खाद। अब बात करते हैं ये कहाँ बनाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ, खेतों में बना ली जाती है। अब बात करते हैं खादों के और क्या गुण होना चाहिए, देखें जो खाद, ये दोनों ही कैसे होते हैं, मिट्टी का हमने बताया था आपको कि दोनों ही किसके लिए डाले जाते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी होती है, उन पोषक तत्वों को कमी की पूर्ति करने के लिए खाद उर्वरक मिट्टी में डाले जाते हैं। और अपन क्या, दोनों में अंतर देख रहे हैं कि अंतर क्या होता है, बाकी में खाद क्या होंगे, उर्वरक क्या होंगे। तो जैसे कि अपन ने पहला इसका क्या डिफरेंट निकाला कि खाद क्या होते हैं, पहला एक पॉइंट निकल गया है खाद जैविक पदार्थ होते हैं। दूसरा यदि अपन खाद के बारे में बात करें तो खाद क्या होते हैं, खाद किससे बनाए जाते हैं, या प्राकृतिक पदार्थ भी होते हैं। क्या से होते हैं, ये एक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक में बन जाए, खेत में कोई पत्ती वगैरह पड़ी है उस धीरे धीरे अपघटन होकर क्या बन जाएगी, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, या क्या होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। जो दो टॉपिक आपको समझ में आया होंगे, जैविक का मतलब भी समझ में आ गया सर, प्राकृतिक का मतलब भी समझ आया। अगला जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, या तो ये किससे बनाए जाएंगे, गोबर से बनाए जाएंगे या पेड़ पौधों के अवशेषों से, ठीक है। किससे बने, जैविक बने होते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते, ठीक है ना, गोबर डालते हो खेत में, गोबर वगैरह, इससे क्या होती है, मिट्टी की गुणवत्ता का विकास होता है या वृद्धि होती है, तो इनसे बनाए जाते हैं।
ये भी देख लिया, जगत भी देख लिया, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं ये भी इसके सामने निकल के आया, और ये किससे मिलके वाले होते हैं ये भी अपन ने देख लिया कि पत्ते कूड़े गोबर इन चीजों से मिलके बनाए जाते हैं या उनके अवशेष होते हैं। अगला जो अपन देखते हैं क्या है, मिट्टी की ह्यूमस में क्या करते हैं, प्रचुर मात्रा में विकास करते हैं। ह्यूमस जो होती है, ह्यूमस का मतलब है नमी, पानी की जो उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी में नमी को बनाए रखते हैं, मिट्टी में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। कौन से हैं, खाद, मतलब कहेगा खाद आप डालो इसकी लाभ भी अभी अपन देखते हैं कि खाद में और उर्वरक में वाकई में एक दोनों ही पोषक तत्व है तो कौन सबसे ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त करेगा, कौन लंबे समय तक करेगा, ये देखते हैं। तीन हमको अंतर आ गए होंगे क्लियर। अब अगला जो ठीक है ना, अब देखते हैं उर्वरक, ठीक है। अब उर्वरक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उर्वरक क्या होते हैं, फिर अभी अपन इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट भी करेंगे। अब जैसा कि है अपने पास उर्वरक, उर्वरक का मतलब क्या बताया था अभी, रासायनिक पदार्थ, नाइट्रोजन वगैरह है, सल्फर है, कैल्शियम है, इस प्रकार की चीजें क्या जाती है मिट्टी की गुणवत्ता के लिए डाली जाती हैं। ये कैसे होती हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या आप इन्हें घर पर बना सकते हैं, उन्हें अपन ने कहाँ बनाया था, खेतों में बनाया था, तो क्या ये खेतों में बना सकते हैं, नहीं, इन्हें कहाँ बनाया जाता है, मानव निर्मित चीजें हैं। उर्वरक जो होती है क्या होती है, वो प्राकृतिक थे तो ये कौन सी होंगे, मानव निर्मित, मानव निर्मित पदार्थ है या रासायनिक पदार्थ है। पहला समझ में आ गया कि रासायनिक पदार्थ होते हैं, कुछ रासायनिक विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला जो क्या है इसके, ये मानव निर्मित होते हैं। अब इनका उत्पादन कहाँ किया जाएगा, वैसे कि उनका उत्पादन कर रहे थे अपन कहाँ, खेत वगैरह में, तो इनका जो उत्पादन किया जाता है वो इंडस्ट्री एरिया में या फैक्ट्री वगैरह में उद्योगों में किया जाता है। मतलब अपन इसे घर में या फिर कहें तो अपन खेतों में इसकी नहीं बना सकते, इसका जो उत्पादन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में क्या किया जाएगा, इसका उत्पादन किया जाएगा। अब ये क्या हो, उर्वरक जो होते हैं, उर्वरक में जो पोषक तत्व होते हैं, इसमें जो पोषक तत्व, जैसे कि अभी मैंने नाम लिया, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दुनिया की सबसे ठंडी गैस होती है, ध्यान रखना इस बात का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, आपको संकेत याद नहीं होगा हिंदी में लिख देते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं या फिर फास्फोरस ले सकते हैं बच्चों। जी क्या होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस एक रासायनिक पदार्थ होते हैं या रासायनिक, याद आ रहा है, रासायनिक पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन का संकेत N2 होता है, पोटेशियम का K होता है और फास्फोरस का P होता है। ध्यान आप आगे सीखते चलोगे जिंदगी अपनी, अभी यहाँ तक उर्वरक के बारे में पहले चर्चा कर ली कि उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं, ये वो प्राकृतिक थे, और दूसरी बात क्या होती है, उनको अपन कहाँ प्राप्त कर रहे थे, उनको अपन जो प्राप्त कर रहे थे वो कहाँ, खेतों में बनाया जाता था, लेकिन इनसे जो क्या होता है, इन्हें कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। जैसे इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, इनमें पोषक तत्व मुख्यता कौन कौन से होते हैं, इनमें पोषक तत्व मुख्यता होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन का काम क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन संश्लेषण करना है, जैसे कि अपन प्रोटीन खाते हैं दाल वगैरह से मिलती है, ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होती है, और वो आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण किससे करते हैं, नाइट्रोजन से। एक मिट्टी में बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम, उस बैक्टीरिया का बच्चों क्या नाम होता है, राइजोबियम। किस में पाया जाता है, जैसे आपकी चने की, आप जब चने आ जाए, जब आप उसको पौधा को उखाड़ के देखना, उसकी जड़ों में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखता है ना, ये ग्रंथि टाइप का, इसमें एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, राइजोबियम। पूछा जाता है कि राइजोबियम का काम क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण के काम में, ध्यान रखना है ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि राइजोबियम का काम क्या है, कि राइजोबियम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो ये वाले किस में मिलेगा हमें, चने का नाम दिया था हमने, मतलब ध्यान रखना आप चना जो दाल कुल होता है जिसकी बीज दो बराबर भावों में बढ़ जाए उसमें ये राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाया जाता है, वो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप इतना जरूर जानना कि जो गेहूं की में तो नहीं पाया जाता, गेहूं में भी नहीं पाया जाता ना, इस टाइप की संरचना बता रहा हूँ, किस में पाया जाएगा, दाल दाल। जब भी आपके दिमाग में आए कि राइजोबियम कहाँ मिलेगा हमें, तो आपका कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि दाल दाल जितनी भी होती है उनमें हमें क्या मिलेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा, ठीक है ना। और जिसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, प्रोटीन संश्लेषण का काम करना, किसमें, पेड़ पौधों। अब इन दोनों में अपन डिफरेंट देख लेते हैं कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। जो जैसे कि अभी अपन ने बताया उन्हीं को अपन ने कहाँ लिख लेते हैं, अंतर में लिख लेते हैं, एक साइड क्या कर लो खाद पर लिख लो और एक साइड लिख लो आप उर्वरक। इंपोर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन। पहला जैसे कि अपन ने खाद देखा कि खाद क्या होती है, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, क्या होती है बच्चों, अभी अपन ने बात की थी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक ही पढ़े थे। दूसरा अपन ने क्या निकाला था, जो कौन से उर्वरक जो होते हैं वो क्या पढ़े थे अपन ने, मानव निर्मित होते हैं उर्वरक, मानव निर्मित होते हैं, ठीक है ना। अगला अपन ने क्या पॉइंट पढ़ा था, ये हो गया। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, ये कहां बनाए जाते हैं खाद, खाद कहां बनाए जाते हैं, पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधों से भी कहां बनाए जाएंगे, अपने खेतों में, ये लिखा था अपन ने, पहला भी पॉइंट ध्यान हुआ, करो जरा थोड़ा ध्यान, अभी बताया था मैंने किस में बनाए जाते हैं, खेतों में, ये कहां बनाए जाते हैं, अपने खेतों में, ठीक है ना, खेतों में बनाए जाते हैं। तो इन्हें हम कहां बनाएंगे, इन्हें खेतों में नहीं बनाएंगे, तो इन्हें हम कहां बनाते हैं, फैक्ट्रियों में, ठीक है ना। दो पॉइंट क्लियर होंगे कि पहला प्राकृतिक पदार्थ होते हैं ये, और जो कैसे होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, इन्हें हम कहां बना सकते हैं, आप खेतों में बना सकते हैं, तो इन्हें कहां बनाया जाएगा, फिर इन्हें बनाया जाएगा अपने कहां पर, फैक्ट्रियों में, ठीक है ना। अगला जिसके अगला क्या होगा, इनका उत्पादन खेतों में कर लेते हैं, इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में। तीसरा अपन लगाए इसमें क्या होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको जैविक पदार्थ होते हैं, और ये कौन से होंगे अपने, रासायनिक पदार्थ होते हैं, देना भी देखा था अपन ने, रासायनिक पदार्थ होते हैं, एक ये क्लियर हो रहा है ना तीन पॉइंट। चौथा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कौन कौन सी होती है, जिन खादों में जो पोषक तत्व होते हैं तो अपन किससे बना रहे थे, अपन कूड़े गोबर उनसे प्राप्त कर रहे थे ना, इनके अभी देखा था अपन ने, या तो गोबर से बनाया था अपन ने इनके लिए, या फिर क्या पेड़ों की पत्तियों से बनाया था, पेड़ पौधों की पत्तियों से बनाया था ना। चौथा इसको किससे बनाया था अपन ने, इसमें कुछ रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और रासायनिक पदार्थों का नाम अपन ने क्या लिखा था, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये प्रचुर मात्रा में होते हैं और इन्हें इनसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके खाद और उर्वरक में क्या होते हैं, अंतर कंप्लीट होता है, इसको आप पढ़ लेना, बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में दिया होगा कि खाद के क्या लाभ है, ठीक है, दोनों को आपको एक एग्जांपल बताएं कि खाद और उर्वरक से दोनों से मिट्टी की पोषक तत्वों में वृद्धि होती है, ठीक है, दोनों भी डाले जाते हैं मिट्टी में, दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो खाद डाले जाते हैं जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, और जो प्राकृतिक पदार्थ से जो जलधारण क्षमता होती है मिट्टी, जलधारण क्षमता का मतलब होता है कि मिट्टी में पानी स्टोर करने के, पानी कितना अवशोषित कर सकती है मिट्टी, कितना जलधारण है उसमें, तो वो
काफी समय तक रहता है। इसके उर्वरक होते हैं जो डाले तो तुरंत फायदे कब देते हैं, जैसे अपन ने कुछ रासायनिक पदार्थ डाले वो हमें तुरंत लाभ देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो क्या होते हैं थोड़ी क्रमिक समय के लाभ, क्रमिक समय के लिए एक समय अंतराल के बाद लाभ देते हैं, जो हमें तुरंत लाभ दे देते हैं उन्हें उर्वरक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। यदि इनसे जो मिट्टी की गुणवत्ता का विकास हुआ वो बहुत समय तक होता है, इससे क्या होता है क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए ही होता है। जब तक आप उर्वरक डालते रहोगे तो मिट्टी की गुणवत्ता क्या रहेगी, विकास करती रहेगी। जैसे आपने नहीं डाला तो मिट्टी की गुणवत्ता में क्या हो जाएगा, अब विकास कम हो जाएगा। मतलब खाद आपने डाल दी तो काफी लंबे समय तक चलती है, ठीक है। आप इसके खाद के क्या देख लेते हैं, लाभ देख लेंगे खाद में, खाद से क्या क्या लाभ होते हैं। पहला जैसे कि मैंने बताया क्या होती है, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। पहला पॉइंट क्या होते हैं लाभ खाद के, खाद का जो लाभ होता है पहला, जब मिट्टी में किसकी, मिट्टी में जल धारण, जल धारण का मतलब समझ में आ गया ना, अभी बताया जल धारण क्षमता में क्या होता है वृद्धि होती है, जल धारण क्षमता में ठीक है। पहला पॉइंट आप ध्यान रखना कि खाद का क्या लाभ है, मिट्टी में जल धारण क्षमता का विकास करना होता है, जल धारण क्षमता में वृद्धि करना होता है। दूसरा इसका काम क्या होता है, मिट्टी के किस्में जो सुधारती संगठन में क्या करती है, सुधार होता है। यदि आप खाद को डालोगे मिट्टी में तो मिट्टी के संगठन में क्या होता है, सुधार होता है, मिट्टी के संगठन का मतलब समझते हैं आप, संगठन का मतलब होता है बच्चों जैसे ये मिट्टी है, इसमें मिट्टी किस किस चीजों से मिलके बनी हुई है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो हम बता दे रहे हैं आपको कि मिट्टी सिलिका, सिलिका होती है, ऑक्साइड भी होता है। मिट्टी में बहुत से तत्व होते हैं, उन तत्वों से क्या मिलकर बनी होती है अपनी मिट्टी, जो आप देखते हैं खेत दे रहा हूं मिट्टी बनी होती है। संगठन का मतलब है विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलके बनी होना। जैसे कि मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है सिलिका, 27% होता है, कितने परसेंट होता है 27% सिलिका होता है, ठीक है वो आप छोड़ देते हैं, यहां ध्यान रखना है कि सिलिका क्या है, एक प्रकार का तत्व है और वो उनसे क्या है यह सबसे ज्यादा पाई जाती है, उन्हें हम संगठन बोलते हैं। संगठन का मतलब मिट्टी में जो चीजें मिट्टी से मिलकर बनी होगी हम उन्हें संगठन कहेंगे, ठीक है। तो मिट्टी के संगठन में भी क्या होता है, विकास होता है, किसके द्वारा, खाद के द्वारा। दूसरा क्या होता है खाद, अभी अपन ने देखा था कि बर्मी कंपोस्टिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बर्मी कंपोस्टिंग किससे बनाई जाती है, केंचुए से बनाई जाती है। तो जो खाद होते हैं खादों के द्वारा क्या होती है मिट्टी में बैक्टीरियाओं की वृद्धि हो जाती है, किसकी वृद्धि हो जाती है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वृद्धि होने से क्या लाभ होगा, बैक्टीरिया की वृद्धि होने से लाभ होता है क्योंकि हमें नाइट्रोजन चाहिए। अभी अपन ने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम का काम क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो ऐसे ही कुछ खाद डालने पर हमें बैक्टीरिया प्राप्त होते हैं और बैक्टीरिया से क्या होती है पौधा, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। इसके क्या होते हैं बच्चों लाभ होते हैं, किसके, खाद के। अब बात करते हैं अगला जो आपका टॉपिक है वो है अपना खरपतवार। ये पढ़ लेना खाद और उर्वरक में अंतर, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। अब क्या देखते हैं अपन खरपतवार देखते हैं कि खरपतवार क्या होते हैं। देखें जैसे कि अपन ने उस टाइम फसल बोना पड़ रही थी तब मैंने आपको ये बताया था कि फसल बोते हैं अपन, फसल का मतलब क्या होता है एक ही, एक बड़े निश्चित भूभाग में एक ही प्रकार के पौधों को बोया जाना, उसे हम फसल बोलते हैं। अब फसल आपने यहाँ कुछ फसल बोई थी कि आपका खेत है और इसमें आपने किसकी फसल बोई है, इस बार गेहूं, ठीक है। पूरे पौधे इस बार एक भूभाग में, एक निश्चित भूभाग में क्या निश्चित संरचना है जो आपको खेत है उसमें क्या दिखना है आपको, बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के बीजों को बोना। सीबीसी भाषा में अपन कहें उसकी डेफिनेशन निकालें तो क्या होती है, एक ही प्रकार के पौधों को बोया जाना, बीजों को बोया जाना। जी सब क्या है आपने गेहूं के पौधे आपने इसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब इस गेहूं के पौधों में क्या होगा,
कुछ गेहूं के पौधे, गेहूं का बीज डाला है आपने, लेकिन गेहूं के पौधे सिंचाई के बाद कुछ क्या होते हैं, कुछ अनावश्यक पौधे भी उगाते हैं। कैसे अनावश्यक? कुछ जैसे आज आप चारा वगैरह बोलते हैं, अनावश्यक पौधे में फसल के साथ क्या डेफिनेशन बनाई अपने, फसल के साथ अनावश्यक पौधे आते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी अपन गेहूं के पूरा आपका खेत किसका भरा हुआ था गेहूं का, उसमें कुछ क्या निकला है, कुछ पौधे ऐसे निकला है जो गेहूं के नहीं है, मतलब कुछ अलग जैसे चारा वगैरह बोलते हैं अपनी भाषा में, कुछ ऐसे पौधे उग जाए। अब उन पौधों को अपन क्या बोलते हैं, खरपतवार। उनको क्या बोलते हैं बच्चों, खरपतवार। मतलब परिभाषा क्या होगी, कुछ ऐसे पौधे जो फसल के साथ तो उगते हैं लेकिन क्या होते हैं, फसल को नुकसान देते हैं। खरपतवार को अपन नुकसान ही देगा फसल के लिए, अनावश्यक रूप से उगाते हैं और हमारी फसल को क्या करते हैं, दुष्परिणाम डालते हैं, फसल पे विपरीत प्रभाव डालते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट, कुछ डाउट नहीं होगा, जो है बता दी। खरपतवार अपन ने पहले भी पढ़ लिए थे, ठीक है ना। बात आती है कि खरपतवारों को हटाओ कैसे, ठीक है। तो खरपतवारों को आपने देखा होगा अपने गांव में किससे हटा देते हैं, कुछ तो खरपतवारी नाशी दवाइयों का प्रयोग करके, जैसे डीडीटी, कुछ ऐसे आप जो खेतों में डालते होंगे, जो खेती संबंधित बच्चों में वो समझते हैं इस बात के लिए कि खरपतवार किसके द्वारा मिटा। दूसरी अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए, खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग ना करें तो फिर किससे कर सकते हैं, निदाई। आप समझते हैं एक शब्द होता है, एक वो आता है, निदाई की जाती है खेतों की, इसमें अपन निदाई करके क्या करेंगे, इस पौधों को जो अनावश्यक पौधे हैं उनको उखाड़ लेंगे। उससे भी क्या कर सकते हैं अपन, खरपतवार जो होता है उसको अपन खत्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या, जी तो अपनी हो गई प्राकृतिक चीजों से हटा रहे हैं अपन निदाई वगैरह करके, कुछ और ऐसे पदार्थ भी होते हैं, यानी अपन निदाई वगैरह ना करें, आपके पास तो जड़ा बड़ा भूभाग है तो कहाँ तक उसको नींद जाओ। तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी आते हैं, उन रासायनिक पदार्थों का छिड़काव के माध्यम से हम खरपतवारों को खत्म कर सकते हैं। कौन से माध्यम से कर सकते हैं, तो निदाई के माध्यम से कर सकते हैं, और दूसरा किसके माध्यम से कर सकते हैं अपन, रासायनिक पदार्थों के माध्यम से, रासायनिक पदार्थों के छिड़कावों के माध्यम से, डीडीटी, ऐसे बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। जी यहां तक अपना पढ़ लेना कि खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवारों को किससे हटाया जाता है, तो निदाई ऐसी क्रियाओं के द्वारा हम खरपतवारों को हटा सकते हैं। कुछ और रासायनिक विधियों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, खरपतवार को हटा सकते हैं। कैसी रासायनिक विधियां, कुछ रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करके हम अपनी फसल की सुरक्षा किससे कर सकते हैं, खरपतवारों की। ऐसे रासायनिक पदार्थ डीडीटी वगैरह का छिड़काव करके, या और खरपतवार नाशी दवाओं का, किसका, रासायनिक पदार्थ में आप ध्यान रखो, खरपतवार नाशी दवाओं का। दवाओं का छिड़काव करके हम खरपतवार को खत्म कर सकते हैं, हम खरपतवार से हमारी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इससे आगे पढ़ेंगे अपन आगे।